ये आप देखें नेशनल हाईवे की सूरत हाल इस वक्त, ट्रैफिक कितना ट्रैफिक ज़्यादा है। और ये मंजिल पम्प का एरिया है, ये आप देखें मंजिल पम्प का एरिया, मंजिल पम्प का ब्रिज है ये। और ये पीछे भैंस कॉलोनी से लेके मलीर 15 तक इस वक्त तक जैम है ये। इसीलिए बोला था ना बिजनेसमैन ने, कराची के बिजनेसमैन ने वीराला सिंह को बोला था कि आप मेरे साथ इस रोड पे, नेशनल हाईवे पे आप सफ़र करें तो आपको पता चलेगा कि कैसे आवाम जो है कितने मुश्किल का सामना करना पड़ता है उन्हें 10 मिनट का फासला जो है वो तकरीबन एक घंटे में तय होता है। सलाम है उस बिजनेसमैन को जिसने आवाज़ उठाई थी। इनके खिलाफ सिर्फ बिजनेसमैन ही बोल सकता है। ओके, थैंक यू। ये देखें बाइकों वाले कैसे फुटपाथ पर से गुजर के जा रहे हैं। कम से कम कुछ डेवलपमेंट होना चाहिए, इंफ्रास्ट्रक्चर बनना चाहिए। वफाक सिंध को ब्लेम कर रहा है, सिंध गवर्नमेंट वफाक को ब्लेम कर रही है। यकीनन ये बहुत गंभीर सूरत हाल है। वज़ीर आला सिंध को, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए।